हाय एवरीवन, वेलकम टू बीइंग अ बेस्ट टीचर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हमारी जो सीरीज चल रही है CRSU और MDU यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, उसी में हम एक और सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फॉर BEd फर्स्ट ईयर। ठीक है, आज का सब्जेक्ट रहने वाला है पेडागॉजी ऑफ बायोलॉजिकल साइंस यानी कि जीव विज्ञान। इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में ही हम डिस्कस करते हैं। पहले इंग्लिश मीडियम में डिस्कस करेंगे, वीडियो आधी जो है इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए और आधी वीडियो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, एंड बायोलॉजिकल साइंस को लाइफ साइंस भी बोला जाता है, पर यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली नाम बायोलॉजिकल साइंस है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, लाइफ साइंस बायोलॉजिकल साइंस इज सेम। एंड टेलीग्राम पे हमें ज़रूर ज्वाइन करना है आप सभी ने, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चंस बता रही हूँ इन सभी का क्वेश्चंस का जो PDF है वो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इवन बाकी सब्जेक्ट्स के भी जो PDF है वो आपको वहीं से मिलेंगे, सिर्फ क्वेश्चंस के PDF यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, दैट इज़ फ्री, उसके लिए कोई भी चार्जेस नहीं है। हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए कोई चार्ज नहीं लेते हैं। और दोस्तों बाकी सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस देखनी है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो प्लेलिस्ट का लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जो है प्लेलिस्ट पे क्लिक करिए और अदर सब्जेक्ट्स की भी वीडियोस आपको वहां से देखने को मिल जाएंगी। विंग अ बेस्ट टीचर की मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। आप इस सब्जेक्ट के जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट है इसके लेक्चर्स को मात्र 100 रुपए के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारी ऐप डाउनलोड करनी है, लिंक गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप लिंक पे क्लिक करिए। एंड्रॉयड जो स्टूडेंट्स यूज करते हैं एंड्रॉयड का अलग लिंक है, और जो iOS यूज करते हैं तो iOS का अलग लिंक है। तो जो भी फोन आप यूज करते हैं तो लिंक के हिसाब से डाउनलोड कर लीजिए। आपको क्लासेस 250 रुपए की दिखाएगा, पर ये कोड है BBT वेलकम 150, आपको ये यूज करना है ताकि 150 रुपए का ऑफ आपको मिल सके। अब देखिए, जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो जैसे ये दिखा रहा है, ये 3 कॉमन सब्जेक्ट्स हैं, चाइल्डहुड, कंटेम्प्रेरी, लर्निंग, टीचिंग, ये 450 का दिखा रहा है। जैसे ही आप ये कोड डालोगे तो ये सिर्फ 300 रुपए का हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। एंड इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में अगर आपको आंसर्स डाउनलोड करने हैं, ठीक है, जो भी आपका मीडियम है आप उसमें आंसर्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आंसर्स की PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ठीक है दोस्तों, कोई भी क्वेरी है इससे रिलेटेड तो इन नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर PDF से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, कंटेंट से रिलेटेड कोई क्वेरी है, और अगर एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिस्कस द नेचर, स्कोप, जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन डिटेल। एक कंफर्म क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन है, डिस्कस द ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। थर्ड क्वेश्चन इज, डिस्कस द मीनिंग, इम्पॉर्टेंस एंड स्टेप्स ऑफ पेडागॉजिकल एनालिसिस। ये 2 क्वेश्चन कन्फर्म है। पेडागॉजिकल एनालिसिस का भी जनरली आता है, ये भी कन्फर्म क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे पेडागॉजिकल एनालिसिस आपको करके दिखाना है। जनरली ये क्वेश्चन दोनों का मिक्स करके भी दे देता है या अलग अलग भी आ सकते हैं, और ये जो टॉपिक्स गिवन है इन्हीं पे ही किसी एक पे आपको पेडागॉजिकल एनालिसिस करने को बोलेगा, लेकिन इनमें से कौन सा टॉपिक बोल दें हमें नहीं पता है, तो आपको सभी करने होंगे। ठीक है, 5th इज, व्हाट आर माइक्रो टीचिंग स्किल्स, एक्सप्लेन द स्किल ऑफ टीचिंग विद द हेल्प ऑफ माइक्रो लेसन प्लान। माइक्रो लेसन प्लान एक टॉपिक पे आपको बना के भी दिखाना होगा। ज्यादातर ये स्किल पूछता है स्किल ऑफ प्रॉबिंग क्वेश्चंस। इस स्किल पे जो है आपको एक माइक्रो लेसन प्लान बना के दिखाना होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डू यू मीन बाय लेसन प्लानिंग, डिस्कस द नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग इन टीचिंग ऑफ बायोलॉजिकल साइंस। अगेन हर साल ही आता है ऑलमोस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इन्वेस्टिगेटरी अप्रोच एंड एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। इनमें से एनी टू
आएंगे, 8 मार्क्स का क्वेश्चन, सॉरी 16 नंबर का क्वेश्चन 8 और 8 मार्क्स में डिवाइडेड होगा। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिफरेंशिएट अमंग फॉर्मेटिव, समेटिव एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इन डिटेल। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज एन अचीवमेंट टेस्ट, डिस्क्राइब ब्रीफली एट्रीब्यूट्स ऑफ गुड अचीवमेंट टेस्ट। और अचीवमेंट टेस्ट का जब भी क्वेश्चन आए ब्लू प्रिंट के साथ ही करना है, अदरवाइज आपको लगे कि क्वेश्चन में तो बोला नहीं है तो मैं क्यों करूं इसको, मार्क्स कट जाएंगे। 16 में से ये लगा लो 10 या 11 नंबर में से आपको इवैल्यूएशन मिलेगा, सिर्फ ब्लू प्रिंट के बिना करोगे तो 9, 10, ज्यादा अच्छा किया है तो 11, ये नंबर मिलेंगे। लेकिन अगर ब्लू प्रिंट बनाते हो तो 16 में से 14 और 13 नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 10वां प्रश्न जो है क्वेश्चन वो है, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कई बार शॉर्ट फॉर्म में लिख देता है कि डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट सीसीई, तो सीसीई की फुल फॉर्म कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है, ये आपको पता होनी चाहिए। ये 10 ही यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहीं से आपको जो है मैक्सिमम अपना पेपर देखने को मिल जाएगा। अटेम्प्टिंग तो 100% पेपर यहाँ से आएगा, क्वेश्चन 1 हो गया, और जैसे क्वेश्चन 2 और 3 जो होते हैं इनमें से यूनिट 1 से होते हैं, तो ऐसे देखें तो हर एक क्वेश्चन यहाँ से, मतलब हर यूनिट से जो ये 2 क्वेश्चन है इनमें से एक आपको हमारा बताया हुआ बिल्कुल मिलेगा। तो जो स्टूडेंट्स लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर करें वो सिर्फ इतना करो, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे से पहले से प्रिपरेशन नहीं की है, इसलिए PDF भी दिया हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। चलिए हिंदी में डिस्कस करते हैं। पहला प्रश्न है, जैविक विज्ञान की प्रकृति, कार्यक्षेत्र, सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्यों पर विस्तार से चर्चा कीजिए। कंफर्म क्वेश्चन है 100% जो हर साल आता है। दूसरा प्रश्न है, ब्लूम के शिक्षा उद्देश्यों का वर्गीकरण करें, उस पर चर्चा करनी है। इसका लेक्चर गिवन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक करके समझिएगा, लेक्चर के बिना ये टॉपिक नहीं समझ आएगा। तीसरा क्वेश्चन, शैक्षणिक विश्लेषण के यानी पेडागोजिकल एनालिसिस का अर्थ, महत्व और चरणों के बारे में चर्चा करनी है। चौथा प्रश्न यहाँ पे है, देखिए ये टॉपिक्स गिवन है, प्रकरण है, ठीक है, टॉपिक्स, इनमें से जो ये टॉपिक्स हैं इनमें से किसी एक पे शैक्षणिक विश्लेषण यानी कि पेडागोजिकल एनालिसिस करने को आपको आएगा। फिफ्थ क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग स्किल यानी कि सूक्ष्म शिक्षण कौशलों पे है, क्या होते हैं ये, और साथ में एक पाठ्य मतलब पाठ्य योजना की मदद से इसको कैसे पढ़ाया जाएगा वो बताना है, ठीक है। और प्रॉबिंग क्वेश्चन, छोटा सा ये गलत है, प्रश्न कौशल पे ज्यादातर जो है आपको प्रॉबिंग क्वेश्चन स्किल, प्रश्न कौशल, ठीक है, इस पे आपको जो है एक पाठ्य योजना तैयार करके दिखाने को बोल देगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, पाठ योजना से आप क्या समझते हैं, जैविक विज्ञान के शिक्षण में पाठ योजना की आवश्यकता एवं महत्व बताने हैं। पाठ योजना क्या है, ठीक है, इसकी आवश्यकता और इसका महत्व, ठीक है। सातवां प्रश्न, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें, पाठ योजना के चरण, प्रायोगिक शिक्षा, समस्या समाधान और जांच दृष्टिकोण, इनमें से कोई 2 आएंगे। आठवां प्रश्न, माप और मूल्यांकन के बीच अंतर बताना है। साथ में रचनात्मक, योगात्मक और निदानात्मक मूल्यांकन के बीच विस्तार से अंतर बताना है तीनों के बीच, ठीक है। नवा प्रश्न, अचीवमेंट टेस्ट पे है, उपलब्धि परीक्षण क्या होता है और एक अच्छे उपलब्धि परीक्षण के गुणों को संक्षेप में आपको बताना है। दसवां प्रश्न, सतत व्यापक मूल्यांकन की अवधारणा को समझाना है, CCE, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपको करना है एंड ये अत्यंत 10 महत्वपूर्ण प्रश्न है। इन सभी क्वेश्चंस का YouTube से स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको फ्री PDF हमेशा हमारे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराती हूँ। जैसे ही वीडियो पोस्ट होती है उसके कुछ ही घंटों बाद पोस्ट हो जाता है फ्री PDF, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लासेस लेना चाहते हैं बायोलॉजिकल साइंस की, केवल 100 रुपये में इस सब्जेक्ट की क्लासेस, जितने भी टॉपिक्स मैंने कराए हैं वो सब इंक्लूडेड हैं, तो आप वहां से डाउनलोड करिए। हमारी ऐप का डायरेक्ट कोर्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दिखाएगा आपको 250 रुपये की नहीं मिलेगी, 250 की सिर्फ 100 की मिलेगी, ये कोड यूज़ करना है।
बीबीटी वेलकम 150, एग्जाम्स टाइम के लिए हमने ये कोड जो है वो चलाया हुआ है, ठीक है। अब ये है, अगर कोई क्वेरी है इससे रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आंसर्स के पीडीएफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लास्ट मोमेंट पे प्रिपेयर कर रहे हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में है, जो भी आपका मीडियम है पर्टिकुलरली उसमें आप परचेज कर सकते हैं। और ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, व्हाट्सएप नंबर्स हैं, अगर आपको लेने में कोई परेशानी हो रही है या कोई क्वेरी है तो इन नंबर्स पे आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में। अगर आपके दूसरे पेडागोजी सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक मैंने डिस्कस नहीं किए हैं, एक बार प्लेलिस्ट में चेक कर लेना, ठीक है, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। अगर दूसरा पेडागोजी सब्जेक्ट मैंने नहीं अभी तक डिस्कस किया है तो मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा कौन सा आपका सब्जेक्ट है, मैं उसकी वीडियो भी जल्द ही डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।